काशी की जनता ने अपना मन अब तक बना लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जून को वोटिंग होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी जो कसर है वो छोड़ना नहीं चाहते। तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। आज वो बंगाल में थे, वहां पर भी उन्होंने रोड शो किया। अब कहा यह जा रहा है कि 30 मई के बाद चुनाव प्रचार जब खत्म होगा उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए। और 30 मई की शाम, क्योंकि उसके बाद चुनाव प्रचार हो नहीं सकता आखिरी फेज के लिए, 30 मई की शाम से वो 1 जून की शाम तक वहां पर ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2019 के चुनाव में भी किया था। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उन्नीस अप्रैल यानी जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है उससे पहले से पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अपने 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सूरज की तपिश को मात देकर बीजेपी को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए प्रचार कर रहे हैं पीएम मोदी। अब 18वीं लोकसभा के चुनावों का सिर्फ 7वां चरण बचा है और इस अंतिम चरण में 1 जून को 57 सीटों पर वोटिंग है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा और उसके बाद मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल जाएंगे। विवेकानंद मेमोरियल पर ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे मोदी। पीएम मोदी 30 मई की शाम तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 30 मई की रात से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। जाहिर है ये पुराना फार्मूला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको इसकी बेहद आवश्यकता है। ध्यान ध्यान की तरफ, बिल्कुल ध्यान में आप जाइए, हमारी आपको शुभकामना। लेकिन सर कैमरा लेके मत जाइएगा। ध्यान जब कैमरा लेके आप जाते हैं ना तो वो ध्यान नहीं होता, वो थोड़ा सा ढोंग थोड़ा सा पाखंड होता है और कैमरे से आप डिस्टर्ब भी रहेंगे। विवेकानंद रॉक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये जमीन तट से करीब 500 मीटर अंदर समुद्र में दो चट्टानों के ऊपर बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कारबार रहे एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये भारत का दक्षिणतम छोर है। यहाँ भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों का मिलन होता है। यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने अप्रैल 2021 को कन्याकुमारी जाते समय अपने हेलीकॉप्टर से विवेकानंद मेमोरियल का एक वीडियो बनाया था। अब 4 साल बाद पीएम मोदी यहीं पर ध्यान करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले 2019 के चुनाव के अंतिम चरण से पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ और 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ पहुंचे थे। तब पीएम मोदी ने वहां पर ध्यान किया था। उन्होंने तब केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की आखिरी रैली पंजाब में है। पंजाब के होशियारपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी सीधे कन्याकुमारी निकल सकते हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद कन्याकुमारी में सुरक्षा बंदोबस्त भी चाक चौबंद किए जा रहे हैं। अभी तक जो कार्यक्रम सामने आया है उसके अनुसार पीएम मोदी रात्रि विश्राम के बाद 31 मई को विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।